हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप लोग के कंपार्टमेंट के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने ही वाले हैं, और इस टाइम जो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो ये है कि सर, हम लोग कैसे एक ही बार में अपना कंपार्टमेंट का बोर्ड एग्जाम क्लियर करेंगे। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताता हूँ जिनको फॉलो करके आप लोग का कंपार्टमेंट का बोर्ड एग्जाम एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। सो माई नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट टीचर, एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले एक चीज समझो कि आप लोगों को डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है कि हमारी कंपार्टमेंट आ गई है, हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। किसी भी चीज को लेके परेशान नहीं होना और ना डरना है कि कैसे क्लियर होगा। मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजीज क्या रहने वाली। सबसे पहले डीमोटिवेटेड फील मत करो, रिलैक्स रहो, काम रहो, तभी आप लोग अपने एग्जाम पे फोकस कर पाओगे और अपने एग्जाम को एक ही बार में क्लियर कर पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट, कंपार्टमेंट आना एक एबनॉर्मल चीज है। अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो इसको लेके परेशान नहीं होना है, आप लोगों को फोकस्ड रहना है अपने एग्जाम को लेके। ठीक है, फोकस रहोगे तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिर आता है कि आप लोगों को जो फोकस करना ही है तो मेन जो चीज है वो है आपका सिलेबस। एक बार अपने सिलेबस को थोरली रीड कर लो, पढ़ लो, समझ लो, और एक बार लिस्ट बना लो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं आप लोगों के पास और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप डेली करते जाओगे। ठीक है, डेली आप लोगों को रिवाइज ही करना है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। आप लोगों ने पहले ये चीजें पढ़ रखी हैं, अगर थोड़ी कम पढ़ रखी है तो इनको अब अच्छे से पढ़ो, समझो और याद करो। एक लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस दिन आप लोग किस चैप्टर को करोगे। ठीक है, तो फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे क्लास 10th का बच्चा हो या क्लास 12th का बच्चा हो। सब्जेक्ट के आपको चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है और साथ में अपने टॉपिक्स की भी लिस्ट बनानी है। रिवीजन जब भी आप लोग करोगे ना, तो थोरली सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। आप लोगों को जो चैप्टर्स आते हैं उनको पहले निपटा लो, जो चैप्टर आप लोगों से दिक्कत होती है, थोड़ी टाइम लग रहा है, उसको बाद में करो। पहले उन सारे चैप्टर्स को फटाफट से फिनिश कर दो जिनमें आपकी कमांड अच्छी है, जो आपने पहले अच्छे से पढ़ रखे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, 10th के हो या 12th के हो। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है। फिर आपको उन टॉपिक्स को लेना है जिनमें आपको डिफिकल्टीज आती थी पहले, उन टॉपिक्स को आप लोग बाद में करके खत्म कर लो। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या तीन स्ट्रेटेजी बताई मैंने आप लोगों को? मोटिवेटेड फील नहीं करना है, फोकस करो अपने सिलेबस पर, रिवाइज कर लो सारे सिलेबस को अच्छे से। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।